क्या हुआ महाराणी जी का हाथ पकड़ का देखता हूँ की बाबा महाराज बताइए बाबा समय बहुत ज्यादा हो रहा है बताइए बाबा महाराज ये भी एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी महाराज ना जाने इस महारानी की कोख से भी एक भी बच्चे का जन्म नहीं होगा नहीं महाराज जाओ जाओ महारानी जाओ अपने कक्ष में आराम करना जाओ आवा बाबू महारानी जी का गलती पकड़ा रहा क्या हुआ ऐ बेचारे कहड़िए खाक पहले नहीं सुतो अच्छा बुढ़वा हर मुठहा छे तब ए असुति गई हो राम नाम मैं क्या सोच रहा हूँ अब बीच में रहना ज्यादा तुम दूसरा रास्ता पकड़ लेता है छोटी महारानी को आवाज लगाओ सबसे छोटी महारानी छोटी महारानी जी आइए आइए दरबार में बगल हो जाओ आइए आइए दरबार में प्रणाम स्वामी जी प्रणाम स्वामी जी दिमाग नहीं है रे तब तोरा दिमाग से चले छी हां दिमाग में भूसा भरा है तोरा दिमाग में कुत्ता हो लो ए लाग लो ला ए भैया साहब हां फाइटे मार देंगे इतना रिक्शी करता है नहीं लगा जी नहीं लगा कहीं लग जाता तो कहीं जग लग जाता तो आगे बढ़ो ये मेरी महारानी है इसने मुझे स्वामी कहे तुम काहे स्वामी मैं कहता तो हम कहो बताइए इसका सोच तवज्जो तो खाचो वे आज हम खाचिए हो अरे पागल इनसे हमने शादी की इनके मांग में सिंदूर दिया हो इसका स्वामी हूँ तुमसे शादी किए हैं महारानी हाँ स्वामी जी देखो अपने दरबार में व्यास मुनि बाबा आया है बाबा को अपना हाथ रेखा दिखाओ ठीक है स्वामी जी आइए बाबा आइए आइए समय ज्यादा हो रहा है जरा जल्दी में देखिए महाराज देखिए 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 प्रणाम बाबा कितने दिन की बात पुत्र या पुत्री की जन्म हो महाराज इनके भी कोख से कभी संतान पैदा नहीं होगा भगवान ये आप क्या कह रहे हैं बाबा क्या मेरे भाग में कभी संतान प्राप्त नहीं है क्या इस राज को संभालने वाले मेरा आगे कोई वंश नहीं बढ़ेगा महाराज जाओ जाओ तुम भी जाओ बाबा ऐसा करो महाराज मैं तो सभी महारानी का हस्त रेखा देख चुका हूँ अब अपना हस्त रेखा दिखाइए आनंद रहो
अरे भी मत मानो, जब तुम बकरी चराने के लिए जाएगी तब ये है।